नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। मगध पर हर्यंक वंश का शासन था। भगवान बुद्ध के समकालीन बिंबिसार राजा थे। इस समय युवराज अजात शत्रु के कक्ष में एक गोपनीय मंत्रणा चल रही थी। दो महत्वाकांक्षाएं एक साथ वार्तालाप में थी। एक का विषय था सिंहासन को प्राप्त करना और दूसरा बौद्ध संघ पर अपना प्रभुत्व चाहता था। आप तथागत के अनुज हैं, आपसे हिंसा की वैधता पर ऐसा व्याख्यान अपेक्षित नहीं था। देवदत्त को सुनकर युवराज अजात शत्रु आश्चर्य से भर उठे। आपका प्रश्न होगा कि यह देवदत्त कौन? वही देवदत्त जिनकी सोच और व्यक्तित्व को मैथिली शरण गुप्त की मां कह एक कहानी कविता स्पष्ट करती है। दो चचेरे भाई सिद्धार्थ और देवदत्त एक हंस पर उलझे हुए हैं। देवदत्त ने हंस का शिकार करने की नियत से उसे घायल किया है, जबकि सिद्धार्थ इस निरीह पक्षी के रक्षक हैं। आगे कविता में ही सुने कि मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। मां मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। बचपन की यही खींचतान सिद्धार्थ और देवदत्त में आजीवन जारी रही थी। दोनों ही नदी की दो धार थे। एक ओर बुद्ध अपनी ज्ञान पिपासा बुझा रहे थे, देवदत्त की महत्वाकांक्षाएं उन्हें अशांत करती रही। सिद्धार्थ बुद्ध हो गए, देवदत्त भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सतत साधनारत रहे। परंतु एक ओर जहां निर्विकार साधना थी, दूसरी ओर थी प्रतिस्पर्धा। देवदत्त ने अथक साधना की थी, ज्ञान की अपनी परिभाषाएं एकत्रित की। यही नहीं, कालांतर में वे बुद्ध के अनुयायी भी हुए। क्या देवदत्त अपनी ज्ञान साधना के फलस्वरूप और बुद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध संघ के सक्रिय सदस्य हुए थे? केवल इतना ही नहीं, देवदत्त सक्रियता और निष्ठापूर्वक बौद्ध संघ के प्रचार प्रसार और संगठन के सशक्तिकरण के लिए भी कार्य कर रहे थे। क्या यह भगवान बुद्ध के विचारों के प्रति उनका समर्पण था, अथवा यहां भी कोई दबी छिपी इच्छा कार्य कर रही थी? इस बात का रहस्योद्घाटन युवराज अजात शत्रु के समक्ष तब हुआ जब क्रोध और भावावेश में देवदत्त ने अपने इस मित्र के समक्ष मन को खुली किताब बना दिया। देवदत्त चाहते थे कि तथागत बुद्ध वृद्ध हो गए हैं, अतः बौद्ध संघ का अब नेतृत्व उन्हें प्रदान कर दें। यह भी सर्वविदित था कि स्वयं तथागत को सारिपुत्र, मौद्गलायन तथा महाकाश्यप अधिक प्रिय थे, जिनका संघ के सभी भिक्षुओं में भी समुचित सम्मान था। तथापि उन्होंने संघ संचालन का दायित्व अपने जीवन काल में किसी को भी हस्तगत नहीं किया था। मगध की राजसभा में और तथागत की उपस्थिति में जब देवदत्त ने उत्तराधिकार का प्रश्न उठाया, तब बुद्ध ने उनके प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया था। देवदत्त के प्रयास कम नहीं हुए, परंतु समस्या यह थी कि बौद्ध संघ में उनके पक्ष में समुचित समर्थन उपलब्ध नहीं था। तथापि उनके शिष्यों अनुयायियों की संख्या इतनी
कम भी नहीं थी कि विभाजन न करा सकें। देवदत्त ने स्पष्ट किया कि वे अंतिम प्रयास के रूप में तथागत के पास जा रहे हैं, जिससे कि बौद्ध संघ पर उनके नियंत्रण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए, अन्यथा न केवल वे और उनके शिष्य अलग होकर नवीन सिद्धांतों के साथ पृथक संघ का निर्माण करेंगे, अपितु वे षड्यंत्र पूर्वक बुद्ध की हत्या करने के लिए भी उद्यत थे। इधर देवदत्त ने अजात शत्रु को भी इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे बिंबिसार की हत्या कर स्वयं सम्राट बन जाएं। इस समय वर्चस्व की इस लड़ाई में देवदत्त और अजात शत्रु दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता थी। प्रथमतः इसलिए कि यदि बिंबिसार की हत्या होती है तो स्वयं को सर्वमान्य शासक घोषित किए जाने के लिए प्रभावशाली हो चुके बौद्ध संघ का समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इधर यदि देवदत्त किसी तरह बौद्ध संघ पर आधिपत्य प्राप्त कर लेते हैं या कि नया संघ बना लेते हैं, तब भी उसे राज्याश्रय तभी प्राप्त हो सकता था जब अजात शत्रु शासक हो। यही कारण है कि दो महत्वाकांक्षाएं एक हो गई और षड्यंत्र को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाने लगा। देवदत्त ने बौद्ध संघ में उत्तराधिकार के प्रश्न को पुनः खड़ा किया, असफल होने पर विभाजन के विकल्प को चुना। इसमें संदेह नहीं कि देवदत्त बुद्ध मेधावी थे। 15 वर्षों की कठोर साधना के बाद अनेक सिद्धियां व ज्ञान बोध उन्होंने प्राप्त किया था, उनमें संगठन क्षमता भी थी, अतः शीघ्र ही देवदत्त का निर्मित संघ विस्तार पाने लगा। देखते ही देखते उनके अनुयायियों की संख्या 500 से अधिक हो गई। स्पर्धा उत्पन्न हो गई कि वह सिद्ध कर सके उनके समक्ष गौतम बुद्ध भी कुछ नहीं। देवदत्त के संदेशों में बहुत कुछ तो भगवान बुद्ध के कहने की नकल ही था, लेकिन उन्हें अलग संदेश देना अनिवार्य था। उस दिन गया शीर्ष पर्वत पर बैठे वे अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। भिक्षुओं, संघ के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। एक साधक के लिए अब अनिवार्य होगा कि वह केवल फटे पुराने कपड़ों से बने चीवर पहने। साधक भिक्षाटन के लिए जाए परंतु किसी के निवास पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार न करे। साधक के लिए सभी निवास और सभी व्यक्ति समान हैं। वह भिक्षाटन करते समय किसी घर को न छोड़े, साथ ही जो कुछ भी मिला हो उसे केवल अपने ही भिक्षा पात्र में एक ही समय पर बैठकर खाए। साधक केवल वन में रहे, नगरों में भी उससे खुले वातावरण में रहना अपेक्षित है। बेहतर है कि साधक अपना अधिकांश समय श्मशान भूमि में बिताए। साधक एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हुए ठहरने के लिए जो भी साधन मिले उसी में संतुष्ट रहे। साधक केवल बैठ कर ही सो सकता है, लेट कर नहीं, देवदत्त समझा रहे थे। सभी तथागत के स्थापित नियमों से अलग हैं, एक जिज्ञासु भिक्षु ने प्रश्न किया। क्या हम सिद्धार्थ के संघ से अलग नहीं हैं? देवदत्त के नेत्र आग्नेय हो गए थे। भंते, सारिपुत्र और मोग्गलान इसी ओर आ रहे हैं। तभी एक भिक्षु ने सूचना दी, यह तो शुभ संकेत है, सत्कार सहित लिवा लाओ। देवदत्त के स्वर में उत्साह था। अलग संघ का निर्माण करने के पश्चात से वह बुद्ध तथा उनके शिष्यों से पूरी तरह कट गए थे। भिक्षुओं, यह हमारी सफलता है, मेरे संदेशों की महत्ता है, जिसके कारण सारिपुत्र और मोग्गलान को भी यहां आना पड़ा। देवदत्त अपनी प्रसन्नता छुपा नहीं पा रहे थे। देवदत्त जानते थे कि दोनों ही आगंतुक बुद्ध के सबसे करीबी हैं। दोनों का गया शीर्ष पर आना देवदत्त को समर्थन प्रदान करने की तरह था।
उसने आगे बढ़कर दोनों सम्मानित भिक्षुओं का स्वागत ही नहीं किया अपितु अपने समकक्ष आसन दिया। प्रवचन की क्रमिकता पुनः प्रारंभ हुई। आप संबोधित करें भंते सारी पुत्र, देवदत्त के भीतर जमी हुई कटुता की बर्फ पिघल गई थी। जिन नियमों का पालन हमारे संघ में हो रहा है तथागत उसे किस तरह देखते हैं, एक जिज्ञासु शिष्य ने प्रश्न किया। तथागत सहिष्णु हैं, वे नए विचारों का स्वागत करते हैं। उनका मानना है कि भिक्षुओं के लिए निर्दिष्ट अनुशासन संहिता का पालन करते हुए यदि कोई अधिक कठोर नियमों का अनुसरण करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। सारिपुत्र ने उत्तर दिया, आज आप ही भिक्षुओं को ज्ञान दे भंते, मैं अस्वस्थ हूं, विश्राम करना चाहता हूं। देवदत्त ने कहा और पास ही एक शिला से पीठ टिकाकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। सारिपुत्र भिक्षुओं से संवाद करते रहे और बुद्ध के सिद्धांतों को स्पष्ट कर उनकी भ्रांतियों को दूर करने लगे। सारिपुत्र कई प्रहर तक बोलते रहे और देवदत्त इस बात से बेखबर गहरी निद्रा में लीन थे कि चल रहे व्याख्यान ने उनके अनुयायियों को अब उनसे पृथक कर तथागत का कर दिया है। सारिपुत्र ने अपनी बात समाप्त की तथा अपने साथी मोग्गलान को साथ लेकर चल पड़े। भिक्खु न तो किसी से अनुमति लेकर यहां आए थे, न ही लौटते हुए किसी अनुमति की उन्हें आवश्यकता थी। ज्ञान के पिपासु सत्य का मार्ग प्राप्त होते ही उस ओर चल पड़ते हैं। देवदत्त का एकमात्र शिष्य को कालित रह गया, जो झकझोर झकझोर कर अपने गुरु को उठाता रहा कि आपका संग उजड़ गया है, सभी अनुयायी जा चुके हैं। देवदत्त की नींद खुली, तब तक चिड़िया ने खेत चुग लिया था। देवदत्त की दुनिया उजड़ गई थी, अब उसके पास न शिष्य थे न ही संगठन। अब देवदत्त आक्रामक थे, उन्होंने तथागत की हत्या को अपना उद्देश्य बना लिया। धन देकर हत्यारे भेजे गए। योजना थी कि पहला हत्यारा बुद्ध को मारेगा, उसका पीछा कर रहे दो अन्य हत्यारे तथागत के प्राणांत के बाद उसका भी वध कर देंगे, जिससे देवदत्त का नाम उजागर न हो। इन दोनों के पीछे चार और इन चारों के पीछे भी आठ हत्यारे लगा दिए गए थे। योजना त्रुटिहीन थी किंतु धरी रह गई। जो पहला हत्यारा था उसने 10 से अधिक प्रयास किए परंतु तलवार नहीं चला सका। आत्मग्लानि से भरकर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। इसके बाद तो भेजे गए सभी हत्यारे बुद्ध के शरणागत हो गए। क्रोध में भरे देवदत्त अब भी नहीं रुके, पुनः प्रयास किया। तथागत तलहटी पर थे, योजना अनुसार गोल आकार का एक विशाल पाषाण उनकी ओर धकेल दिया गया। पत्थर मार्ग की चट्टानों से टकराकर दो फांक हो गया। बड़ा हिस्सा तो किसी और दिशा में चला गया, परंतु दूसरा छोटा टुकड़ा बुद्ध के पैर को बुरी तरह जख्मी कर गया था। वे चोटिल थे परंतु मुस्कुरा रहे थे। इस असफलता के बाद भी देवदत्त नहीं रुके। हस्तिसाल के प्रबंधक पर युवराज से अपने संबंधों का भय दिखाकर उन्होंने दबाव डाला कि वह पागल हो चुके नलगिरी हाथी को मुख्य मार्ग पर लाकर स्वतंत्र कर दे। तथागत वहां से निकल रहे थे। मदमस्त हाथी बुद्ध की ओर दौड़ा, हर ओर चीख पुकार मच गई, परंतु बुद्ध उसी तरह मुस्कुरा रहे थे। नलगिरी जिस गति से बुद्ध की ओर दौड़ा था, लगा उन्हें कुचल देगा, परंतु नहीं। वह तो सम्मुख आते ही शांत हो गया। भूमि पर बैठकर उसने तथागत के आगे शीश झुका दिया। संभवतः इसी क्षण देवदत्त को वह बोध हो गया था कि तथागत उनकी सोच समझ से बहुत परे हैं। वे अपने कृत्य पर ग्लानि से भर उठे। सच्चे मन से अब उन्होंने बुद्ध का हो जाना निश्चय किया, यह जानते हुए कि बौद्ध संघ जानता है तथागत की हत्या के लिए किए गए सभी प्रयास उनके द्वारा ही कराए गए हैं। देवदत्त ने अपने प्रिय शिष्य कोकालित को साथ चलने का इशारा किया। उसने मौन रहकर इशारे से यह जानने का प्रयास किया कि देवदत्त कहां जाना चाहते हैं। उन्होंने
अपना सर झुकाया और कोकालित को संबोधित कर बोले, बुद्धम शरणम गच्छामि। गुरु शिष्य ढलते हुए सूरज की दिशा में तेजी से बढ़ गए थे। संभवतः पश्चाताप भी विलंबित था, निर्णय में देर हो गई थी अथवा नियति ने देवदत्त को क्षमा नहीं किया था। वे शास्ता नदी को पार करते हुए दलदल में धसने लगे। उनके शिष्य कोकालित ने बचाने का बहुत प्रयास किया परंतु असफल रहा। जब तक ग्रामवासी वहां सहायता के लिए पहुंचते, नदी का दलदल उन्हें लील गया। अंतिम श्वास से पहले देवदत्त ने अपने शिष्य कोकालित को वहां से चले जाने और अपने सिद्धांतों का प्रचार करने का निर्देश दिया था। कोकालित ने बुद्ध मत से पृथक स्वरूप में इसे सफलतापूर्वक संस्थापित किया भी। देवदत्त तो असफल हुए परंतु अजात शत्रु पितृहंता हुए और उन्होंने मगध का सिंहासन हासिल कर लिया था। यह अलग बात है कि इस कृत्य के लिए पश्चाताप उनकी भी नियति बना। मित्रों आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।